दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस बैंक में अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली फैसिलिटी ये है कि इसमें आप लोगों को एक डेबिट कार्ड मिल जाता है और साथ ही आपको यहाँ पर पासबुक, चेकबुक वगैरह की भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसी के साथ आप लोगों को इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला आपके पास आधार कार्ड और दूसरा पैन कार्ड। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते हैं और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड वगैरह सभी कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप लोगों को एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट को घर बैठे ही ओपन करवाना है। तो चलिए शुरू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स। इसके जस्ट नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट और इसके सामने ही सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सिस बैंक के अंदर जितने भी सेविंग अकाउंट्स होंगे सभी अकाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इजी एक्सेस, डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसके बाद और भी कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा और मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करना है। एक्सिस बैंक में दो जीरो बैलेंस के अकाउंट हैं। सबसे पहला तो अकाउंट है सहज सेविंग अकाउंट और इसके बाद एक और अकाउंट है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिक सेविंग अकाउंट। ये बिल्कुल ही जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसे BSVD यानी कि जनधन अकाउंट भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ही जीरो बैलेंस अकाउंट और दोनों के ही बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सहज सेविंग अकाउंट, जिसमें कि आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर्स में EKYC बेस्ड फुल KYC अकाउंट है और इसमें आप लोगों को एक 10 पेज की चेकबुक भी मिल जाती है। तो यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक्सप्लोर मोर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग ऊपर के साइड में देख सकते हो ये अकाउंट बिल्कुल पेपरलेस ऑन बोर्डिंग अकाउंट है। इसमें आप लोगों को लो ओपनिंग डिपॉजिट यानी कि आप लोगों को बहुत ही कम मात्रा में डिपॉजिट करना है और साथ ही निल मेंटेनेंस, आप लोगों को कोई भी पैसा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप अपने अकाउंट में जितना भी पैसा रखेंगे उसमें आप लोगों को 3 से 3.5% तक इंटरेस्ट रेट ऑन डेली बेस्ड पर मिलेगा और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जब आप अकाउंट को ओपन करवाएंगे तो आप लोगों को मात्र 500 रुपये ही इसमें डिपॉजिट करने हैं। और भी आप लोगों को इसमें बहुत से कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन करवा सकते हैं। तो अकाउंट को ओपन करवाने के लिए यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है आप लोगों के पास कोई भी एक स्पाइस मनी या फिर कोई भी AEPS की रिटेलर ID होनी चाहिए जिसमें कि आप लोगों को अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। आप लोग वहां से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई भी आईडी नहीं है तो दूसरा तरीका ये है आप लोगों को यहाँ पर इस वाले अकाउंट के सेक्शन में आना है और कुछ नीचे की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट ए कॉल बैक। इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद आप लोगों को नीचे की साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबमिट। आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से आप लोगों ने जो भी नंबर दिया है इस नंबर पर कॉल बैक आएगा और इसके बाद आप लोग वहां पर जो भी आपके पास कॉल बैक करेगा उससे पता कर सकते हैं कि क्या हमारे एरिया में एक्सिस बैंक की डोर स्टेप सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर आपके एरिया में डोर स्टेप सर्विस अवेलेबल होगी तो एक्सिस बैंक के कर्मचारी आपके घर पे आके आपके अकाउंट को ओपन कर देंगे और आपको कोई भी चार्जेस वगैरह देने नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरे वाले बैंक अकाउंट के बारे में भी बता देता हूँ जिसका नाम है बेसिक सेविंग अकाउंट। तो इसके लिए भी आप लोगों को नीचे के साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक्सप्लोर मोर। यहाँ पर आप लोग इस अकाउंट की कंप्लीट डिटेल को देख सकते हैं। बेसिकली ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसमें आप लोगों को कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इस अकाउंट में आप लोगों को एक रुपये डेबिट कार्ड मिलता है और उसमें आप लोगों को प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है।
इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें आप लोगों को 3-4% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर भी ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक की फैसिलिटी अवेलेबल मिलती है। और दोस्तों इस अकाउंट को आप लोग ब्रांच में जाकर ही ओपन करवा सकते हैं, इसको आप लोग घर बैठे ही ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से आप लोग एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस के अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या फिर सवाल है तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।